हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट हब। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स के बारे में, ठीक है। इसके जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने इनफिल्ट्रेशन के बारे में बात कर चुके थे कि हमारा इनफिल्ट्रेशन क्या होता है और उसका हमारा मेजरमेंट हम उसमें कैसे करेंगे। ओके, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और यह वीडियो देखने के बाद आप कम से कम प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड शेयर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। ओके, देखिए इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या होता है, ये हमारा होता है ना कि एवरेज इनफिल्ट्रेशन। हमने क्या किया कि मैक्सिमम, हम फिल्ट्रेशन के ऊपर बात कर चुके थे, ठीक है, कि मैक्सिमम रेट से जो मेरा इनफिल्ट्रेशन होगा जिसको हम एफसी से रिप्रेजेंट करते थे, तो इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स का जो हमारा पर्पस है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि एवरेज इनफिल्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है हमारा इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। इट रिप्रेजेंट्स, आप नोट कर ले, इट रिप्रेजेंट्स एवरेज इनफिल्ट्रेशन, एवरेज इनफिल्ट्रेशन। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा इनफिल्ट्रेशन कितने टाइप का होता है, उसका इंडेक्स। तो हमारा दो तरीके का इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स होता है। ओके, ये हमारा दो तरीके का होता है इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। पहला होता है मेरा डब्ल्यू इंडेक्स एंड दूसरा होता है मेरा फाई इंडेक्स। ओके, फाई, PHI फाई, इसको हम सिंबलिक इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फाई हो गया और एक डब्ल्यू इंडेक्स होता है। आई बात समझ में आपको कि हमारा इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स हमारा दो तरीके का होता है, पहला होता है मेरा डब्ल्यू इंडेक्स, दूसरा होता है मेरा फाई इंडेक्स। तो चलिए हम देखते हैं कि डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है और फाई इंडेक्स क्या होता है, क्योंकि जो ये जो दोनों इंडेक्सेस हैं ये दोनों का जो दोनों रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डब्ल्यू इंडेक्स के बारे में, ठीक है। ये डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है, इसका जैसा कि डिफिनेशन है, इट इज़ द एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट ओवर द इंटायर पीरियड ऑफ स्टॉर्म। ओके, कि अगर मेरा कहीं पर बारिश हो रही है तो उस बारिश में कितना हमारा टोटल इनफिल्ट्रेशन हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टॉर्म, ठीक है। स्टार्टिंग जब मेरा बारिश हुआ उसके बाद जब तक बारिश खत्म नहीं हुई तब तक हमारा इनफिल्ट्रेशन कितना हुआ उस टाइम के दौरान, उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू इंडेक्स। ओके, टोटल इनफिल्ट्रेशन रेट बाय टोटल टाइम ऑफ पीरियड, ये हमको दे देगा डब्ल्यू इंडेक्स। ओके, जितना ये सब बॉक्स में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक कॉपी एंड पेन लेके बैठें, ठीक है। हाइड्रोलॉजी थोड़ा सा इरिटेटिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप कॉपी में इस चीज़ को नोट कर लें, क्योंकि जितने भी फॉर्मूला लिखा गया है बॉक्स में वो सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए हमारा ये था हमारा क्या डब्ल्यू इंडेक्स, ठीक है। तो चलिए इसका दूसरा डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज रेट ऑफ लॉस such that volume of rainfall in excess that the rate will be equal to total volume of direct runoff. ये हमारा W index है। हमने तो phi index समझ लिया कि क्या होता है ये, अब बात करते हैं W, तो ये phi index के बारे में, W index हमने पढ़ा, अब बात करते हैं phi index। देखिए phi index होता क्या है, जो एवरेज हमारा जो इनफिल्ट्रेशन रेट होता है, ठीक है, मान के चल रही कि ये हमारा कोई अर्थ है, ये ब्लू कलर से यहाँ से बारिश हुई, तो मेरा जो एवरेज जो यहाँ से इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन होने के साथ साथ इसमें ये भी चीज होगा कि वाटर क्या करेगा, सरफेस में भी रन ऑफ करेगा, यानी सरफेस में भी बहेगा वाटर, ठीक है। तो ये जो मेरा एवरेज जो इनफिल्ट्रेशन रेट है दैट कंट्रीब्यूटिंग द रन ऑफ, जो रन ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलते हैं फाई इंडेक्स। आई बात समझ में। और मेरा डब्ल्यू इंडेक्स क्या था, डब्ल्यू इंडेक्स था मेरा टोटल इनफिल्ट्रेशन रेट
ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ओके इसमें ऐसा नहीं होता है। तो देखिए मैथमेटिकली W ये फाई इंडेक्स का जो होता है मेरा टोटल इनफिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द रेट ऑफ एक्सेस रेनफॉल एक्सेस। रेनफॉल एक्सेस कब होगा? जब हमारा वाटर इनफिल्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा कि सरफेस में बहना स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जो इनफिल्ट्रेशन का जो रेट होता है वो अगर यहाँ से इंटेंसिटी है इनफिल्ट्रेशन का, यहाँ पे टाइम है, तो इसके साथ इसका ग्राफ कैसे बना था? इसका ग्राफ इस तरीके से बना था, ये एक्सपोनेंशियली बना था और बाद में ये कॉन्स्टेंट हो जा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि स्टार्टिंग का जो इनफिल्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। और जब टाइम के साथ जैसे जैसे ये क्या हो रहा है, टाइम बीत रहा है, हमारा इनफिल्ट्रेशन जो रेट होता है वो घटता चला जा रहा है और एक टाइम पे ये कांस्टेंट हो जाता है। आई बात समझ में? तो हमारा यही हुआ कि एक्सेस जो मेरा रेनफॉल हुआ जिसके कारण रन ऑफ हुआ मेरा सरफेस पे, उसका बाय टोटल टाइम पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस कि हमारा किस किस टाइम पीरियड में हमारा एक्सेस होता है वो इनफिल्ट्रेशन। आई बात समझ में? चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, एक सरफेस है, ठीक है। यहाँ से कोई कैचमेंट एरिया है, यहाँ से बारिश हुई, ओके। कितना टी वन आवर के लिए बारिश होता है, यहाँ पे कैचमेंट ए है और नीचे क्या है सॉइल है, ठीक है। और इसका जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन होगा, जिसका वैल्यू कितना है आई वन सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे क्या हुआ कि आया और ये बारिश हुई यहाँ पे, तो इसका जो इनफिल्ट्रेशन रेट आई वन हो गया। सेकेंड केस में हम देखते हैं ये क्या हुआ कि यहाँ से बारिश हुई आई टू, ठीक है, और इसका जो कितना टाइम के लिए हुआ ये टी टू आवर के लिए, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, इसका जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो होगा आई टू हम मान के चल रहे हैं, एंड हमारा जो रेनफॉल जो क्या था कि एक्सेस में कुछ हो गया, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन होने के साथ साथ कुछ इसमें सरफेस में भी वाटर रह गया और बहेगा, इसमें तो कोई सरफेस में कोई वाटर है ही नहीं, ओके। तो चलिए हम देखते हैं टोटल हमारा रेनफॉल कितना हुआ, टोटल रेनफॉल या फिर टोटल इनफिल्ट्रेशन। तो यहाँ से W इंडेक्स बराबर मेरा क्या हो जाएगा इन दोनों केस में, मैंने क्या बोला था अभी आपको, मैंने भी बताया था आपको कि हमारा जो W इंडेक्स होता है वो होता है टोटल इनफिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द स्टॉर्म बाय टोटल टाइम। आई बात समझ में? तो मेरा यहाँ से फाई इंडेक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा इन दोनों जो कैचमेंट एरिया में हम देखेंगे, तो टोटल इनफिल्ट्रेशन कितना हुआ, टोटल आई टोटल कितना हुआ, दो हुआ, आई वन प्लस आई टू हुआ, आई वन प्लस आई टू। अब हम बात कर रहे हैं कि मेरा जो W था, ठीक है, वो क्या होता है रेट होता है, तो यहाँ से टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। टोटल टाइम कितना था मेरा, टी वन प्लस टी टू, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिए पहला वाले में कितना टाइम लग रहा है टी वन, दूसरा वाले में कितना टाइम लग रहा है टी टू। आई बात समझ में? आइए अब हम बात करते हैं फाई इंडेक्स के बारे में। फाई इंडेक्स में मैंने क्या बताया कि वो फिल्ट्रेशन जिसके कारण हमारा एक्सेस रन ऑफ हो जाएगा, यानी एक्सेस रेनफॉल के कारण जो रन ऑफ होगा सरफेस पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेकेंड वाला केस में क्या है कि देखिए यहाँ पे कितना इनफिल्ट्रेशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, रन ऑफ हो गया। तो यानी आई टू फाई इंडेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई टू बाय कितना टाइम के लिए हुआ है टी टू। आई बात समझ में? ओके ये आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। तो मेरा फाई इंडेक्स हो गया आई टू बाय टी टू। नाउ इनफिल्ट्रेशन हमारा क्या हुआ, टोटल हमारा इनफिल्ट्रेशन अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, W इंडेक्स को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या फिर रेनफॉल एक्सेस डेप्थ हमको जब निकालना है तो टोटल जो रेनफॉल आएगा माइनस टोटल इनफिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है रेनफॉल एक्सेस डेप्थ, ठीक है, टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग विथ रेनफॉल एक्सेस अकर, ठीक है, कि हमारा जितना रेनफॉल अकर करेगा यानी फाई इंडेक्स टाइम पे, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे रेनफॉल एक्सेस डेप्थ, ओके। तो चलिए समझते हैं इसको हम हाइड्रोग्राफ से, ठीक है, मान के चला ये कोई हाइड्रोग्राफ है, ओके। हाइड्रोग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, हाइड्रोग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है मेरा कि कितना बारिश हो रही है, ठीक है, उस चीज़ को। तो हम नेक्स्ट जो हमारा कुछ चैप्टर होने वाला है वो हमारा हाइड्रोग्राफ होगा, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल आप देखिए एक रेनफॉल यहाँ है, ठीक है, दूसरा रेनफॉल का बार मेरा यहाँ है, तीसरा रेनफॉल का बार यहाँ है, चौथा रेनफॉल का बार यहाँ है,
पांचवा रेनफॉल का बार यहाँ है, छठा यहाँ, सातवां यहाँ। इस तरीके से हमें एक ग्राफ मिला है किसका, रेनफॉल का, ठीक है, कि रेनफॉल हो रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि अगर मेरा जो फाई इंडेक्स की बात करते हैं, तो ये लाइन है मेरा फाई इंडेक्स, ठीक है, ये लाइन मेरा फाई इंडेक्स है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जितना मेरा एक्सेस होगा, इसका एरिया ए वन है, ए टू, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन है, ठीक है। इस रेनफॉल का टाइम टी वन है, इसका टाइम टी टू है, इसका टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, टी सिक्स, टी सेवन है। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू इंडेक्स का मेरा मतलब क्या था कि जो एक्सेस होगा मेरा रेनफॉल, ठीक है, एक्सेस रेनफॉल होने का मतलब कि दैट द रेनफॉल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हमारा रन ऑफ, ओके, दैट रेनफॉल विच इज कंट्रीब्यूटिंग इन रन ऑफ। तो मेरे यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हमको फाई इंडेक्स यहाँ से निकालना होगा इस ग्राफ से, तो क्या होगा, इसके जो नीचे वाला जो एरिया है ना, ठीक है, ये एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया हमको इनफिल्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जो नीचे होता है, सीधा सीधे आप एक लाइन में समझिए कि अगर फाई इंडेक्स लाइन के जो नीचे होगा वो मेरा इनफिल्ट्रेशन होगा, और फाई इंडेक्स के जो ऊपर होंगे हमारे, ये जो जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो रीजन है ये हमारा किस चीज़ का रेनफॉल का रेनफॉल है हमारा रन ऑफ के लिए, ठीक है, कि इतना जो है हमारा तो रन ऑफ के लिए था, ओके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और एक चीज़, ये टोटल रन ऑफ कितना है मेरा, टोटल ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, ओके। तो चलिए हम डब्ल्यू इंडेक्स की बात करते हैं। डब्ल्यू इंडेक्स का मतलब क्या था मेरा, इनफिल्ट्रेशन, टोटल इनफिल्ट्रेशन बाय टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल मेरा इनफिल्ट्रेशन कितना था, जो टोटल मेरा बारिश हुई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री से लेके ए सेवन तक, बाय टोटल टाइम कितना था, टी वन टी टू से लेके टी सिक्स तक। अब हम बात करते हैं फाई इंडेक्स का, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो फाई इंडेक्स होगा, वो फाई इंडेक्स क्या होगा, जो मेरा एक्सेस जो रन ऑफ होगा, यानी एक्सेस जो मेरा रेनफॉल होगा जिसके कारण रन ऑफ होगा, वही मेरा हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस ग्राफ में देख सकते हैं इसमें से कि हमारा जो डब्लू, ये फाई इंडेक्स लाइन से ऊपर कितने हमारे ग्राफ हैं, एक ये वाला ए टू पोर्सन, ए थ्री पोर्सन और ए फोर पोर्सन। इसका टाइम पीरियड कितना है, टी टू, टी थ्री, टी फोर। आई बात समझ में? तो हमारा यही जो रेनफॉल है, यही ना रिस्पॉन्सिबल फॉर हमारा रन ऑफ होगा, इसी के कारण तो रन ऑफ होगा मेरा। तो इस लाइन से नीचे सीधा सीधी जब आपको फाई इंडेक्स निकालना होगा, तो ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जितने भी हमारे हाइड्रोग्राफ आएंगे, ठीक है, उसका वैल्यू हमको लेना है। और जब बात करेगा डब्ल्यू इंडेक्स के बारे में, तो हमको इसका टोटल जो है, ये जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये जो टोटल पोर्सन है, टोटल इसको इंक्लूड करके जो टोटल आएगा, इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में, सबको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमको फाई इंडेक्स बोला गया, तो कितना मेरा जो हमारे बार्स एबव द फाई लाइन था, ए टू, ए थ्री, ए फोर बाय टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, ठीक है, ये मेरा इनफिल्ट्रेशन रेट हो गया ये फाई इंडेक्स का, ठीक है। देखिए ए वन, ए टू, ए थ्री से ए सेवन आर द इनफिल्ट्रेशन एट वेरियस टाइम पीरियड, ये हमारा इनफिल्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एट वेरियस टाइम पीरियड। तो चलिए एक हमारा नोट है, ठीक है, इस नोट के हिसाब से क्या होता है ना कि फाई इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि हमारा देखिए जो फाई इंडेक्स होता है, वो फाई इंडेक्स क्या था कि हमारा जो एक्सेस रेनफॉल होगा, या मेरा जो फाई लाइन के ऊपर जो बार्स होंगे बाय टाइम। तो इस केस में क्या होगा ना कि टोटल जो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, इसमें टाइम पीरियड घट जाता है, जिसके कारण फाई इंडेक्स बढ़ जाता है, या फिर इक्वल हो सकता है जब मेरा सरफेस में यूनिफॉर्म रन ऑफ ये होगा, या फिर यूनिफॉर्म मेरा इनफिल्ट्रेशन होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, इक्वालिटी होल्ड व्हेन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली। मैंने आपको बताया कि जब मेरा पूरा इंटायर एरिया में यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेनफॉल का, तब हमारा फाई इंडेक्स इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स होगा, ठीक है। इसमें एक नोट है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस डेप्थ वी हैव टू कंसिडर डैट अ स्टॉर्म इन विच रेनफॉल एक्सेस अकर, दैट इज अ स्टॉर्म हुज इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन फाई इंडेक्स, ठीक है। तो चलिए इसमें से चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि ये हमारा एक प्रॉब्लम है, ओके।
तो ये हमारा देखिए प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक।